हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस फील देगा क्योंकि हम लोग का टिकट था कहाँ पे अपना टिकट एसी। चलो हम लोग का टिकट था वहाँ पे लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ अजीब चीजें हम लोग को देखने को मिली तो हमने सोचा क्यों ना इन चीजों को एक्सप्लोर किया जाए और आप लोगों को थोड़ा दिखाया जाए क्योंकि देखो यार वहाँ पे हमें कुछ दिखाने लायक नहीं मिला लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको दिखाने लायक मिलेगी भी और तो हमने सोचा क्यों ना ये एक्सपीरियंस किया जाए और ये सारी चीजें आप लोग को दिखाया जाए। तो आज हमारे साथ है आदर्श भाई और हेमंत भाई और ये जो पीछे देख रहा है ये हमारा सब्सक्राइबर है तो इसने देख लिया हम लोग को तो हमने बोला चल तू भी कंटिन्यू, हम लोग भी घूम रहे हैं तू भी घूम हम लोग के साथ। तो अभी यहाँ का सीन ऐसा है कुछ, ये देखो दिख रहा है सीन। अब जो भी चीजें हमको दिखाने को मिलती है हम लोग आप लोग को दिखाते हैं, वीडियो एंड तक देखो बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल कसारा चला गया है, कौन सा स्टेशन आने वाला है, इगतपुरी आ चुका है, देखो चढ़ रहे हैं देखा गया तो ये एक्सपीरियंस करना है हम लोगों को तो हमने बोला कि क्यों ना इस चीज का ब्लॉग बनाया जाए तो हम लोग बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। वीडियो एंड तक देखो बहुत मजा आने वाला है, चलो वीडियो एंड तक देखो। तो अभी आ चुका है इगतपुरी और अभी हम लोग यहाँ पे उतर गए, थोड़ा यहाँ की जर्नी में इतना मजा आ रहा है हम लोगों को, मतलब फाड़ मजा आ रहा है जो हम लोग आप लोगों को बयां नहीं कर सकते लेकिन ये हम लोग के थ्रू हम लोग आप लोगों को दिखा सकते हैं जो हम लोग का काम है। अभी हम लोग ने क्या किया, अपना जो एसी का डब्बा था उसको छोड़ा और यहाँ से हम लोग चलते हुए पीछे 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 एकदम चलते हुए आ गए। हमने बोला थोड़ा एक्सपीरियंस लेते कि लोग क्या क्या सामान लेके जाते हैं, क्या क्या चीजें लेके जाते हैं। हेमंत भाई आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपने क्या एक्सपीरियंस लिया? सुपर एक्सपीरियंस है, क्लाइमेट भी एकदम ओके क्लाइमेट है करके और जितना मतलब एकदम कैसे लोग जाते हैं लगी तभी भी आप बहुत बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। पानी पियो ना बीच में, जैसे मतलब वो कैसा था, एक ऑब्स्टिकल मतलब तुम लोग के लिए एक टास्क है कि तुमको वो टास्क पूरा करके जाना है, ऐसा ऐसा क्रॉस ये वो ऊपर। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो हम लोग आप लोग के साथ भी जाएंगे और जो जो चीज लेके जाते हैं लोग वो सारी चीजें भी आप लोग को दिखाएं। जैसे आदर्श भाई और हम लोग ने देखा कि चार पांच वो जो क्या बोलते हैं उसको बल्टी लेके जा रहे हैं, उसके अंदर हाथ डाल के काकी वो बल्टी कोई चोरी ना कर ले। तो ये सब लाइफ है यार, ये सब जर्नी है जो चीज फील करनी वाली होती है जो हम लोग अभी फील करने वाले, तो इट्स गुड इनफ, मजा आ रहा है। हम लोग तो ज्यादा करके वो अपना जो डब्बा है उसको छोड़ दिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नासिक, उसका भी व्लॉग आपको धीरे धीरे आगे दिखाएंगे हम लोग किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो मजा आ रहा है पर एसी से ज्यादा इसमें मजा आ रहा है ये बात तो है क्योंकि वहां पे क्या सब लोग सो गए यार, वहां पे किसी को नहीं, सब लोग सो रहे और हम लोग अगर वहां पे चिल्लाते या व्लॉग बनाते तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता था। तो हमने बोला यार ये चीज ये सारी चीजें एक्सप्लोर करते, देखो कैसे जिंदगी जी जा रही है यार ब्रो। और ये हमारा सब्सक्राइबर हम लोग का साथ ही नहीं छोड़ रहा है, ये हम लोग के साथ साथ है। ये बोला मैं चाहिए तो तुम लोग के साथ उतर भी जाता, मतलब नहीं भाई तेरे को जहाँ तेरी डेस्टिनी है तो वहाँ पे जा। तो अभी थोड़ा शूट लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और वीडियो तो आप लोग देखते रहो एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे ठीक है। गाड़ी चालू हो गई अपनी, टाइम है। तो अभी शायद मैं भी यहाँ पे डब्बा वब्बा चेंज होगा, वीडियोज़ देखो। मजा कब आएगा मालूम है आप लोग को, जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि लोग कैसे सो रहे हैं कैसे मतलब वो मजा नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छा लग रहा है यार देखने में। यार ये भी एक लाइफ थी जो हम लोग पहले किया करते थे जब बहुत छोटे थे मतलब आदर्श तो कभी नहीं करता ये सब चीजें क्योंकि वो अभी भी छोटा है। नहीं, पीछे जो डब्बा रहता है वो निकल रहा है तो फिर देखते रहो एंजॉय करो और मजा करते ठीक है चलो। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे सो रहे थे। जैसे आप लोग को नज़र आ रहा है कि देखो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो लोग को सीट नहीं मिली थी, वेटिंग था उन लोगों का और वो लोग वॉशरूम के पास बैठे हुए थे। कुछ लोग गाना सुन रहे थे, कुछ लोग अपने में मस्त थे मगन थे और कुछ लोग तो कैमरा देख के स्माइल कर रहे थे जैसे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और ये भी एक ज़िंदगी है, ये भी एक लम्हा है, ये भी एक अब मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं। जैसे आप लोग को नज़र आ रहा है कुछ लोग तो आंखों में नींद भरी हुई थी लेकिन सो नहीं पा रहे थे, देखो ये वीडियोस देख रहे हैं और जैसे मैंने इसे देखा वो हमको देखने लगा और साथ में अपने बल्टी लेके जा रहा है, शायद कुछ काम का होगा। और यहाँ पे सामान पूरा जाने तक का रास्ता नहीं था फिर भी हम लोग कैसे भी करके वहाँ से जा रहे थे। और कितने लोग तो ऐसे थे जो बीच सेंटर में बिछा के सो रहे थे और आना जाना पब्लिक का वैसे ही लगा हुआ था। मज़ा आ रहा था हम लोगों को, हम लोग कुछ नई चीज़ें फील कर रहे थे, ये देखो ये कैसा सोया हुआ है। तो ऐसे पूरे आपको बोगी में ऐसी ही चीज़ें नज़र आ रही है, देखो पैर, तो ये सारी चीज़ें बचा के हमको जाना था मतलब और बहुत मज़ा आ रहा था, आप लोग भी देख रहे हो। देखो
हम लोग तो कभी ऐसा ट्रैवल नहीं किए हैं, तो हम लोग को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। और जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि क्या क्या सामान लोग जाते हैं, फेविकॉल का डब्बा, मतलब अब कोई कारण होगा। और ये चचा जो है वो जैकेट पहने हुए, ठंडी भी थी बहुत, और जैसे आप लोग को नज़र आ रहा है यहाँ पे। और ये है हम लोग, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हुए आप लोग को देखने में मिलता होगा कि हर बोगी में, हर डब्बे में आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को टिकट नहीं मिलती, और ये जो शख्स थे इनको हमने यहाँ से उठाया, हमने इनसे कहा कि आप अंदर आके बैठिए क्योंकि रात का समय होता है तो थोड़ा ये सारी चीज़ें बचानी पड़ती है। लेकिन जब हम लोग जा रहे थे वहाँ से तो कुछ अजीब लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि लोग नीचे सोए हुए थे। हम लोग का डब्बा तो एसी में था लेकिन वहाँ पे सब सो गए थे, काफ़ी शांति थी। तो हमने बोला क्यों ना यहाँ का व्लॉग बनाया जाए, और लोग कैसे स्लीपर क्लास है वो भी है उसमें कैसे ट्रैवल करते हैं, मैंने सोचा आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर पूरा एंड तक हम लोग जा रहे थे, और लोग काफ़ी इंजॉय करते यार ये जर्नी को, क्योंकि करीबन एक से दो दिन की जर्नी होती है, और वो दो दिन की जर्नी लोग इंजॉय करते हुए जाते हैं। और एकदम नॉर्मल जैसे इंसान अपने घर में सोता है वैसे यहाँ पे सोता है, बिछा लेता है, सो जाता है। और कुछ लोग तो यहाँ पे पूरा हवा खाते हुए आप लोग को नज़र आते होंगे, तो ऐसे भी, और कितने लोग तो शायद ड्रिंक भी किए होते हैं। तो ये लाइफ है, ये जर्नी है जो हमें आप लोगों को दिखानी थी, जो हमने आप लोगों को दिखा दी यहाँ के थ्रू। अब इसके बाद मैंने क्या किया पता है आप लोगों को, रुको बताता हूँ। अरे बाप, और अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे घर की तरफ तो ये बहुत अंदर तक है यार। तो हाय दोस्तों, हम आ चुके एक नए व्लॉग के साथ। तो आप लोग सोच रहे रहोगे कि हम लोग कार में क्या कर रहे हैं। आदर्श, आज का सीन क्या है जरा तू बता इन लोग को। आज का सीन ऐसा है ना, क्योंकि जैसे कि हम बदलापुर में गाड़ी खड़ा करने जा रहे हैं, हम कोई काम से गए थे बाहर और कैमरा था हमारा घर पे, हम भूल गए थे, इस चीज की वजह से मॉर्निंग में व्लॉगिंग नहीं हुई। कौन बाप इतना हैंडसम क्यों लग रहे हो आज? अरे वो काम की बात बताएं लोगों को। काम की बात तो बताएंगे, पर आप इतना हैंडसम क्यों लग रहे हो? चलो मैं आप लोगों को काम की बात बताता हूँ। अभी सीन ऐसा है कि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो हम लोग डेली ऐसा जाते रहते तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम लोग ने कभी वो चीजों को देखा नहीं है, राइट? मतलब दूर से भी हम लोग ने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं वहां पे और आज हम लोग दूर से व्लॉग बनाएंगे, और शायद हो सके तो हम लोग अंदर भी जाएंगे। वो दूर से हम लोग देखते ना पूरा हॉन्टेड नजर आता है, तो कोशिश करेंगे हम लोग अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद आप लोग को बताएंगे कि अंदर से वो चीजें क्या है, क्योंकि हम लोग को भी आइडिया नहीं है। आदर्श सूर्य देखा है ना वो कैसा एकदम पूरा टूटा है, और इसके अपडेट्स मैंने इंस्टाग्राम पे दे दिया है, तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और सीन ऐसा है कि देखो कोई आइडिया नहीं हम लोगों को कि वो क्या चीज है क्या नहीं है, उधर जाने के लिए अलाउ करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हम लोग निकल गए बॉस, हमने बोला भाई रुकना नहीं है, क्या बोलता आदर्श? यस, कैमरा उठाए, हथियार उठाए, सीधा गोली भरे और चला दो। गोली मतलब मेमोरी कार्ड, और बैटरी चेक किया, बैटरी ओके, चल दो। देखो यार हम लोग का काम ही यही है कि हम लोग ढूंढ ढूंढ के चीजें पता करें। तो आज हम लोग का सीन ऐसा है कि अंदर अगर जाने को मिलता है तो जाएंगे, नहीं तो वो चीजें तो कवर करनी है बॉस, एनी हाउ रॉन्ग साइड से नहीं डालूंगा ब्रो। ओके, तो अभी चलते हैं वहां पे और आप लोग को मिलते हैं। आप लोग हम लोग के साथ ऐसे ही वीडियोस देखते रहो यार, आप लोग बहुत प्यार करते हो, इसकी वजह से हम लोग ये सारी हिम्मत उठाते हैं, क्योंकि हम लोग को खुद को नहीं मालूम कि वो जगह कौन सी है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना है तो हम लोग जा रहे हैं वहां पे। यार एकदम शॉकिंग ब्रो, है ना आदर्श? हाँ भाई, और ये भी आइडिया नहीं है कि वो जगह कैसी है भाई, बहुत डरावनी है। तू दूर से देखता आदर्श, तेरे को क्या लगता है कैसी जगह होगी, क्या होगा वो भाई जो टूटा हुआ है? एक साथ कितने सारे रूम है? बहुत सारे रूम है, और उसके साथ बीच में एक ऐसा खोदा गया है, मतलब वहां पे जाने के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां पे हम लोग जा रहे हैं वो मुश्किल हम लोग आसान कर देते हैं। और प्लान ऐसा है कि जाना है, अगर मैं नहीं गया तो आदर्श को जरूर भेजूंगा, आदर्श की पटरी है, लेकिन आदर्श को जरूर भेजूंगा मैं वहां पे जाएंगे। तो अभी हम लोग वहां के लिए निकल गए, तो जैसे हम लोग वहां पहुंचते हैं आप लोग को दिखाते हैं। वीडियो आप लोग एंड तक देख लो, अभी हम लोग रस्ते में, ठीक है? वीडियो एंड तक देखते रहो ब्रॉस, एंड तक। तो अभी हम लोग वहां पे आ चुके हैं, अब सीन ऐसा है कि ठंड लग रही है, और ये मेन हाईवे पे यहां से हमें दिख रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं जाऊंगा कैसे, है ना? देखो ना गटर है, अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे गटर है, ये आप लोगों को गटर नजर आता होगा, ये देखो, और ये गटर ऐसा